अस्सलाम यार, तो क्या चल, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो यार आज से आपने टाइटल देख लिया, आज का सीन है हमारा एक शूट का, और सलमान भाई की 2ZZ करोला है, उसका हमने आज शूट करना है। मजलूम की गाड़ी बहुत क्लीन है और उन्होंने बहुत प्यारा बिल्ड किया है, गाड़ी की पावर बहुत मज़े की है। 2ZZ उसमें इंजन है, अगर आपको डिटेल्स नहीं आ, नीचे आपको डिटेल्स आ जाएंगी, कौन सा इंजन होता है, क्या सीन होता है, वो नीचे आ जाएगा आपको सारा, आप चेक कर लेना। हॉर्स पावर क्या है वो भी शो हो जाएगी नीचे। बाकी गाड़ी अपनी यहाँ पे है टेस्टिंग मोड में, इसको बस निकालते हैं। दो हमारे कज़न्स आए हुए हैं, एक आया हुआ है दुबई से और एक आया हुआ है इस्लामाबाद से, उन दोनों को साथ पे करते हैं, वो भी जहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद जाके देखते हैं क्या सीन है। रामिन फिर से एक दफ़ा आ गया। हाँ जी रामिन, ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ आपने? खाना पीना इनका साथ ही चलना है रास्ते में। चलो दादा खोलो, मैं निकालता हूँ ज़रा गाड़ी को। आज साहब जो थे ना, दूसरा कज़न जो आया हुआ दुबई से, उसका सीन मिस ही था गया था, मैं अभी रेडी नहीं हुआ तो अभी मिस कराओ, तो रामिन ने ज्वाइन कर लिया। जैसे कि इसके हाथ में आप OPTP का बर्गर देख सकते हैं, तो ये भी आ गए, निकलते हैं शूट पे। पहले सूरज चला जाएगा इतनी देर में, तो मैंने कहा देर होने से पहले हम लोग वहाँ पहुँचे लोकेशन पे और जाके स्टार्ट करते हैं। बस यार लोकेशन पे जा रहे हैं, सलमान भाई भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और इधर फुल टाइम बर्गर नबेड़े जा रहे हैं, फुल टाइम खाने चल रहे हैं यहाँ पे। लो जी हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए हैं, ये सामने सलमान भाई की भी गाड़ी आ गई है। और आपका बर्गर ख़त्म नहीं हुआ अभी? अभी भी रहता है? अभी जल्दी जल्दी खाओ यार, शूट स्टार्ट करें फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी गाड़ी भी बहुत क्लीन है, और ड्रॉप भी बड़े मज़े की हुई है, और लाइट्स वगैरह सब कुछ गाड़ी में कंप्लीट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? इधर ही लगा लो इसके साथ ऐसे ही। छोटी सी नई मॉडिफिकेशन की है। LED ये वाली? नहीं, अच्छा ये सारे अच्छे लग रहे हैं, ये मैं देखा था जब उन्होंने इंडिकेटर दिया है, बहुत ब्राइट है ये। मैंने भी इसके पिछले लगाए थे जब ये आए थे ना, इसके बैक लाइट्स ओरिजिनल थी। हाँ जी फाइनली टाइम आ गया गाड़ी को रिवील करने का। यार हैजर्ड बंद करिए मार यार, गाड़ी खड़ी यहाँ लगा दी यार, सलमान भाई हमारे साथ हैं। हाँ जी यार, सबसे पहले अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बताएं। सर मेक मॉडल वेरिएंट है ये करोला 2005 है। नहीं नहीं, हमने सुनील मजी का स्टाइल नहीं माना। आप ठीक है समरिया, अपना बताएं कि गाड़ी कौन सा मॉडल है? 2005 है, करोला ये आल्टिस है। ठीक है, गाड़ी में 2ZZ है। इसमें इंजन जो है उस पर, जो मेन चीज़ इस गाड़ी के बारे में ना, इसका इंजन है जो कि बड़ी मजे की पावर निकाल रहा है। इंजन और सनरूफ है और टू स्टेप है। अच्छा सनरूफ, वैसे इसमें जो है ये वाला मॉडल इसमें आती नहीं थी ना, ये आपने इंस्टॉल करवाई है? तो फिनिशिंग वगैरह इसकी सारी ओके बैठी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं कि जो फिनिशिंग है वो। अच्छा ये वाकई वही लग रहा है कि जेन्युइन है इसकी फिटिंग? हाँ कोई फर्क लग नहीं रहा, अंदर से भी वही सीन है। हाँ बिल्कुल ओके है, नहीं नहीं बेहतरीन हुआ है तो अरे आफ्टर मार्केट ही लगी हुई है सारा। और बाकी अगर इसके इस पे आए, ये साइड मिरर इसका क्या सीन है? ये जो ये इसी करोला का आता है कि किसी और गाड़ी के? करोला का ये जो इंपोर्टेड आता है वेरिएंट बाइक का जो उसका है ये। ठीक हो गया। बाकी रिम्स जो है इस पे, ये कौन से आ रहे हैं इसमें? ये T37 है। हाँ 7.5 JJ ऑल। सही है सही है, माशाल्लाह ओवरऑल गाड़ी की लुक बहुत क्लीन है माशाल्लाह। मेन चीज़ तो ये है, ये आपने हीट रैप किया हुआ सारा इसको। सही है सही है सही है। और बाकी इधर आ जाता है ये इसका इंटेक, ये कौन सी कंपनी का लगा हुआ है? ये वो पेक्सी का है, ये बस वो लोकली मिला था मुझे, वही दोस्त से मिला था मुझे। अच्छा अच्छा, ये गिफ्ट है इससे? अच्छा इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, बाकी सारे पे है, गिफ्ट है हमारा। सही हो गया। तो इस पे क्या सीन है आपका, जो इंटेक है इससे आपको कोई गेन फील हुआ है अन्य गाड़ी में? इससे पहले आपके पास अकॉर्ड भी थी मेरे ख्याल से, ऐसे है ना? वो टाइपर, वो उसके बाद स्विफ्ट भी थी। हाँ माशाल्लाह ये गाड़ी तो बड़ी क्लीन है, बाकी इसका इंजन भी काफ़ी मजे का लग रहा है। इसको आपने ब्लू में पेंट किया हुआ मेरे ख्याल से? ये पर्ल वाला पेंट है क्या? सिंपल है सही, पर्ल वाला है। हाँ हाँ वो टॉर्च में मार के एग्जैक्ट आइडिया। हाँ नहीं नहीं गुड है। तो यार ये क्लिप मैं वीडियो के बीच में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि सीन ये हुआ था कि जब गए थे गाड़ी का रिव्यू करने, तो भाई ये कह रहे थे कि जो मेरा गाड़ी का सस्पेंशन है उसका थोड़ा इशू चल रहा है, तो जिसकी वजह से मैं गाड़ी को पुल नहीं दे सकता। तो आप लोग भी कह रहे होंगे कि 2ZZ इंजन है और उसी का पुल नहीं चेक करा सका मैं आपको, लेकिन कोई नहीं चलता है। अभी भाई से बात की है, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में इनसे मिलते हैं, और इनका जब तक ये काम ओके हो जाएगा फिर इनकी गाड़ी आपको पुल जो हमारा रह गया अधूरा वो चेक कराएंगे। तो मैंने एक क्लिप स्पेशली इसलिए ऐड किया क्योंकि मुझे याद नहीं रहा उस वक्त, उसने मुझे कहा था कि ये पुल छू का सीन नहीं है, लेकिन मैं तब बताना मैं बाकी चीज़ें कवर कर रहा था और दोस्त वगैरह आ गए थे, तो उस वक्त मैं बता नहीं सका। तो मैंने कहा चलो अब रिकॉर्ड करके ऐड कर देता हूँ बीच में। बाकी ये जो है ये परफॉर्मेंस के लिए हीट रैप किया हुआ है इसको, और साथ इधर आ जाता है इसका इंटेक, और ये स्टड बार, ये आपने कहाँ से सोर्स किया है?
बस ये हो गया था, ये भी गिफ्ट है, ये भी गिफ्ट है, ये ब्रार भाई का गिफ्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ये बड़ा जरूरी होता है इसमें परफॉर्मेंस, मैं भी सोचा था इसमें डालूंगा तो बड़ा स्टेबिलिटी में फर्क आ जाता है गाड़ी के ना। हाँ जी लाहौर का लावा भी आ गया। लेट हो गया, उधर इतनी गाड़ी घुमाई है, इतनी गाड़ी घुमाई है ना। क्या हाल चाल है ये जी? एक और भाई ने ज्वाइन कर लिया, हसन भाई ने, क्या हाल चाल है? तुम कैसे हैं? ठीक आप सुनाओ, क्या सर? सबसे पहले आप जोए फारूक को फॉलो करें। क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ये भाई बहुत बड़े मैनिपुलेशन आर्टिस्ट हैं। अच्छा किस चीज में? ये मैं नहीं बता। अच्छा अच्छा, इसका क्या ये? ये भी उस तरह सेज की गाड़ी की तरह ही पीछे से कट हुआ है सारा बम्पर। हाँ लुक्स मेन जो मेरा मोटिव था वो लुक्स थी, परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस इनका जो है मेन मोटिव वो परफॉर्मेंस में है। और इवन सईद का भी ये है, लेकिन सईद का इंजन स्टॉक है ना, आपका तो इंजन भी स्वाप हुआ है पूरा। बाकी एग्जॉस्ट कौन सा लगा हुआ है इस पे? अच्छा ये इनका बोर्डला का एग्जॉस्ट लगा हुआ है टाइप सी, और बाकी ये जो है एंड पे है वो चेक करें ना। और बाकी इसका जो ये पीछे स्पिटर वो भी ना लगा हुआ सईद वाला, थोड़ा चेंज है, ये प्लास्टिक में। सही सही सही, अरे पीछे भी एलईडी आ गए हैं, महंगे खर्चे कर लिए हैं, इन्वेस्टमेंट सही वाली इन्वेस्टमेंट। कितने के पड़े वैसे? 4000 यार, ये 2000 रुपये। तो बाकी इसके इंटीरियर पे आए तो ये आप इसका बता रहे हो क्या चीज़ है? ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर है, ठीक है। और बाकी ये जो है ये मेरे ख्याल से वाटर टेम्परेचर की गेज आ रही है, ठीक है ठीक है। और ये किस चीज़ की गेज है? ये हमारा गाड़ी की मान्यता है, हमारा ये वो भी है हमारा। हाँ ये तो गाड़ी के कलर से भी मैच कर रहा है गाड़ी के। ये इनका गियर नॉब है जो कंडेंसर से इस वक्त बिल्कुल खाली है, ये इनका कहना है कि इन्हें टेरर डालना है, तो इससे गाड़ी की फुल हैवी शिफ्टिंग करते हैं ये। मेन चीज इनका सनरूफ का है, सनरूफ इनकी चेक करते हैं कितनी ऑपरेशनल है। हैवी है, कमाल कमाल है। तो कभी इस तरह का इशू तो नहीं हुआ कि पानी लीक हो रहा हो या कोई इस तरह का सीन हो? अभी तक बिल्कुल ओके है। करवाई कहाँ से थी ये? पेशावर में। पेशावर ले गए थे वहाँ पे, बेहतरीन है। बाकी इसको यहाँ से इसकी यहाँ से नीचे होती है, और बाकी यहाँ से फुल ओपन है। ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा वैसे लग नहीं रहा कि आफ्टर मार्केट लगी हुई है, जेन्युइन चीज लग रही है बिल्कुल। किट्स वगैरह का क्या सीन किया आपने? किट्स कौन सी लगी है इस पे? किट्स कुछ नहीं है, ये वो फाइबर लगी हुई है साइड पे, ये जो स्कर्ट है वो भी इसके ओरिजिनल है, वो प्लास्टिक। अच्छा ये इसके टोयोटा क्रोला के ओरिजिनल स्कर्ट्स हैं। और आगे स्प्लिटर लगाई है ये प्लास्टिक में कि वो फाइबर में? अच्छा फाइबर है, फाइबर है, सही है सही। मुझे नहीं पसंद ये बॉडी किट्स वगैरह, तो बस वो छोटे ले थोड़ा सा किया तो फोर्स। हाँ हाँ लगानी पड़ी, और वैसे भी वो थोड़ा अच्छा रहता अच्छा है, मतलब हाँ अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह लुक अच्छी आ जाती है। आगे स्निफर की खोपड़ी भी आ गई, नहीं लोगो है। हाँ व्हाई यू डू दिस? ये चीज थोड़ा महंगा है लेकिन राप्चिक है। कच्चा ना पसंद आई, बाकी ले। ये चेक करें जी, जरा फुल चश्के हो रहे हैं। और ना ना ऐसे नहीं, बच्चे चुकना लग रहा है। गजब बेइज्जती है। हाँ भाई कैसी लगी आपको गाड़ी? गड्डी तो थोड़ी सोनी है भाई, बहुत सोनी है, बहुत सोनी। ये इन्होंने स्टिकर्स भी लगाए हुए हैं एग्जॉस्ट के, TRD 2ZZG। अरे इसमें 2ZZ है? हाँ जी भाई जान, इसमें 2ZZ मौजूद है। अच्छा मुझे नहीं पता था। हाँ बात जी। और ये जो आप मेरे स्कीटर देख रहे हैं ना, स्कीटर ये भाई जान, अगर आप अपनी लैट ऑन करेंगे ना, हाँ फिर आपको पता लगेगा कि ये शैनी वाले हैं। ये फुल गोरा मॉल स्कीटर है ये। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? पैसे पूरे पैसे पूरे। इसका कितना HP गेन आ गया गाड़ी में? मेरा इतना स्वैप का नहीं होगा गेन। नहीं इस तरह का स्टिकर मुझे भी पकड़ाओ फिर। बहुत लाउड है भाई। हाँ जी जब आम आ गई है वीडियोस बनाने के लिए, पटाखों का देख के सारे आ जाते हैं यार, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गई है भाई। ओके यार अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह होती है मुलाकात। यहाँ पे
एक और भाई है मार्क टू वाले पिक्चर लेने लगे हो। हाँ पिक्चर लेने शूट सीन्स। हाँ शूट सीन्स। कहने डाकू मंगल सिंह आ गए यहाँ पे। ये बंद करो। क्या बात है, ये तो हमें अपनी खा लो जी, अब कोक पी जा रही है। मेरी मिस्टी कर दी। मैं जब कैमरा करता हूँ कभी कुछ खा रहा है कभी कोक पी रहा है, ये चेक करें और आइए देखें ये अब कोक पी जा रही है, जब मैं कैमरा करूँ कुछ ना कुछ दिखा रहा होता है। अब देख सकते हैं अंधेरा फुल हो गया है और आज के व्लॉग को यही पेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सिनेमैटिक्स और पूरा जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मजे की बात है कि इनका बर्गर भी खत्म हो चुका हुआ है, वेरी नाइस। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल। क्या आड़ क्यों रहा, ये डालना पड़ेगा और लो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय टाटा।